एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खतरनाक फीमेल स्कॉवेंगर रोबोट कैप्टन डुओ पर हमला करती है, पर कैप्टन डुओ किसी तरह वहां से बच बचाकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो रोबोट उन्हें वहां ना पाकर वहां से चली जाती है। कैप्टन डुओ से देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अर्थ पर एक स्कॉवेंगर रोबोट क्या कर रही है। इधर शाम को मौका पाकर अब वो कपड़े धोने वाली मेड बनकर उस रूम की तरफ जाने की कोशिश करती है जहाँ रॉयल सील रखी हुई थी। गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते और उसे रोक लेते हैं। तो अब उन्हें बताती है कि जो मेड वहाँ एम्प्रेस के धुलने वाले कपड़े लेने आती थी वो बीमार है, इसलिए आज वो कपड़े लेने आई है। इस पर गार्ड्स उसे जाने देते हैं, पर तभी क्वीन एम्प्रेस आकर उसे रोक लेती है। इस पर अब वो तुरंत एम्प्रेस के पैरों को पकड़कर माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वो ब्लैकबर्ड नेशन की प्रिंसेस है और वो किंग के कहने पर उन्हें एक सीक्रेट गिफ्ट देने आई है जिसे वो ब्लैकबर्ड नेशन से लेकर आई थी। किंग चाहते हैं कि वो गिफ्ट बस क्वीन को ही मिले और किसी भी कॉन्क्यूबिन को उस बारे में पता ना चल सके, इसीलिए वो सीक्रेटली उन्हीं के पास जा रही थी। क्वीन उसकी इस बात पर बिलीव कर लेती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी एक मेड आबू की लाई कपड़ों की टोकरी में पड़ी ईंट को देख लेती है, तो आबू तुरंत उसे वो ईंट छीन कर क्वीन को बताती है कि ये वही गिफ्ट है जो क्वीन को वो देने आई थी। एक्चुअली वो कोई मामूली ईंट नहीं है बल्कि एक स्पेशल ब्यूटी प्रोडक्ट फेस मास्क है। उस ईंट को घिस कर उसे फेस पर लगाने से स्किन और भी ज्यादा क्लियर और स्मूथ हो जाती है। उसकी ये बात सुनकर क्वीन और भी ज्यादा खुश होती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब वो ईंट घिस कर उनके फेस पर लगा देती है और उन्हें उसे पूरी रात लगाए रखने के लिए कहकर वहां से खिसक लेती है। फिर वो उस रूम में जाती है जहां रॉयल सील रखी होती है। रूम में पहुंचकर वो रॉयल सील वाला बॉक्स ओपन करती है पर वो बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी उस रूम के दरवाजे पर नान यांग को सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाती है और आबू पर रॉयल सील को चुराने का इल्जाम लगाकर उसे सरेंडर करने को कहती है। आबू उसे कहती है कि उसने सील को नहीं चुराया बल्कि उसे वहां पहुंचने से पहले वो बॉक्स खाली था, पर नान यांग उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं होती और अपने कुछ सोल्जर्स को आबू को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। इस पर काला नकाबपोश आबू को वहां से सेव करके अपने ब्लैक स्मोक फॉर्म में बाहर लेकर जाता है। आबू उसे वहां देखकर हैरान होती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने ही रॉयल सील चुराई है। इस पर वो उसे बताता है कि उसी ने वो रॉयल सील चुराई है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। आबू उसे पूछती है कि तुम रॉयल सील का क्या करोगे। इस पर वो उसके सवाल का जवाब दिए बिना उसे कहता है कि तुम हमेशा ये बात याद रखना कि मेरा नाम ली है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और आबू उसे पुकारती रह जाती है। उसकी आवाज सुनकर अपने कमरे में मौजूद किंग खुद पर नजर रखे नान यांग के सर्वेंट को बेहोश करके आबू की हेल्प के लिए निकल पड़ता है। इधर काला नकाबपोश रॉयल सील को लेकर एक और जनरल वांग सी चौंग के पास जाता है और उसकी बॉडी में भी एक माइक्रोचिप फिट करके उसे अपने वश में करके उसे रॉयल सील देकर ली सूची को फंसाने के लिए कहता है। इधर आबू भागते हुए तियान सियान के पास जाती है तो देखती है कि नान यांग को सोल्जर के साथ उसे बंदी बनाए हुए होती है। आबू उसे कहती है कि वो नान यांग को जाने दे। इस पर नान यांग तियान सियांग को छोड़कर आबू को बंदी बना लेती है, पर तभी वहां किंगफेंग आता है और सारे सोल्जर्स को कुछ ही सेकंड में मार पीट कर बेहोश कर देता है। आबू नान यांग से कहती है कि उसने सच में कुछ नहीं चुराया, उसके वहां पहुंचने से पहले ही सील गायब थी। इस पर नान यांग कहती है कि अगर ये बात सच है तो चलो तुम मेरे फादर के पास चलकर सफाई दो क्योंकि अब तो वो ही तुम्हारा फैसला करेंगे। इस बार सभी लोग किंग के पास जाते हैं। आबू वहां भी किंग से यही कहती है कि उसने रॉयल सील नहीं चुराई है बल्कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही कोई उसे चुरा ले गया। इस पर नान यांग किंग को बता देती है कि आबू ब्लैकबर्ड नेशन की प्रिंसेस नहीं है बल्कि वह झूठ बोलकर वहां आई है। ये सुनकर आबू घबरा जाती है तो किंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आबू उसे पीछे कर देती है और किंग से कहती है कि ये सच है कि मैं ब्लैकबर्ड नेशन की प्रिंसेस नहीं हूँ, पर मेरे यहाँ आने के पीछे की वजह बस एक इंसान है। इस पर किंगफेंग को लगता है कि वो उसका नाम लेगी, पर आबू किंग का नाम लेती है और कहती है कि यो मैजेस्टी, मैं बस यहाँ आपके लिए ही आई हूँ। इस पर किंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना रिस्क लेकर यहाँ मेरे लिए आई हो, ये मेरी गलती है कि तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस पर एक्साइटेड होकर आबू कहती है कि क्या आपने मुझे फिर माफ कर दिया।
किंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सब देखकर नान यांग को काफी गुस्सा आता है और वो किंग को सजेस्ट करती है कि जब मिस आबू आपको इतना ही पसंद करती हैं, तो आप इन्हें अपनी कॉन्क्यूबिन बना लीजिए। उसकी ये बात सुनकर आबू और तियांग जियांग समेत किंग किंग भी शॉक्ड हो जाता है। तियांग जियांग किंग से कहती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस लड़की के पैलेस में आते ही आपकी रॉयल सील ही गायब हो गई, उसे शादी करके न जाने आप पर कौन कौन सी मुसीबतें आ जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर किंग अपने असिस्टेंट को 10 दिनों के अंदर रॉयल सील ढूंढ कर लाने को कहते हैं और आबू से कहते हैं कि जब रॉयल सील मिल जाएगी उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर आबू और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद किंग किंग आबू से मिलने उसके रूम में जाता है और उसे रॉयल सील को चुराने जाने के लिए डांटने लगता है। इस पर आबू गुस्से में कहती है कि वो उस रॉयल सील को उससे पहले ढूंढ लेगी। इसके बाद शाम को किंग का असिस्टेंट जिसे कैट एलियन ने पोजेस किया होता है, वो किंग को जाकर बताता है कि रॉयल सील जनरल वांग सी चांग के पास है। इस पर किंग उसे ढेर सारे सोल्जर्स लेकर वांग सी चांग पर हमला करने को कहते हैं, पर असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो रॉयल सील को तोड़ देगा। इस पर किंग सोच में पड़ जाते हैं, तो असिस्टेंट उन्हें सजेशन देता है कि हमें इस मैटर में नान यांग का यूज करना चाहिए। यहाँ ये बात रिवील होती है कि किंग नान यांग को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने थ्रोन का वारिस एक बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। वो हमेशा से नान यांग को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ली सूजी के मैंसन में उसके ऊपर हमला करवाया था। किंग अपने असिस्टेंट से नान यांग को मारने का ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नान यांग को मार देंगे और उसके मर्डर का इल्जाम वांग सी चांग और ली सूजी पर लगाकर उन्हें भी रास्ते से हटा देंगे। उन दोनों के बीच होने वाली सारी बातें आबू पर्दे के पीछे छुपकर सुन लेती है। इधर कैप्टन डुओ बचते बचाते ली सूजी के पास जाते हैं। वो ली सूजी को सारी बातें बताते हुए मैंसन में ही रहने को कहते हैं। तभी ली सूजी का असिस्टेंट आकर उसे पहले से सीक्रेटली आए हुए 2 लेटर्स देता है। ली सूजी उस लेटर्स को पढ़ता है तो उनमें से एक लेटर में रॉयल सील के गायब होने की खबर लिखी हुई होती है और दूसरे लेटर में उस सील के वांग सी चांग के पास होने की खबर होती है। उन लेटर्स को पढ़कर ली सूजी हैरानी से वो बातें कैप्टन डुओ को बताता है। इस पर कैप्टन डुओ से वादा करते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर वांग सी चांग के पास से रॉयल सील ले आएंगे। जाते जाते वो ली सूजी से कहते हैं कि अब यहाँ किंग का असिस्टेंट लगाई बुझाई करने जरूर आएगा, उसके लिए आप कुछ अच्छा सा इंतजाम जरूर कर देना। इस पर ली सूजी अपने असिस्टेंट के साथ कुछ सोल्जर्स को लुटेरों के भेस में जंगल के रास्ते पर तैनात कर देते हैं। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। किंग का असिस्टेंट थोड़े ही टाइम में उसे रास्ते पर आता दिखाई देता है। इस पर ली सूजी का असिस्टेंट उस पर हमला करके उसके कैरेज और कपड़ों समेत उसका सब कुछ लूट लेता है। इस पर किंग का असिस्टेंट बिना कपड़ों के ली सूजी के मैंसन तक रोते रोते पहुंचता है, पर ली सूजी का असिस्टेंट उसे पहचानने से इनकार करके उन्हें आवारा बेवड़ों का ग्रुप बनाकर आसपास की जनता को इकट्ठा कर लेता है, जिस पर लोगों की भीड़ उन्हें दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।